एक बड़ा नंबर है जिसको डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, जय पटेल से करते हैं, वो है डीएलएफ। जय, आप जब तक डीएलएफ के चार्ट देखो, मैं नंबर्स एक बार वापस से स्क्रीन पे लेके आता हूँ। आप इसका ना मुनाफा चेक, देखिए रियल एस्टेट कंपनी में तीन चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। पहला, किस मार्जिन पे काम कर रहे हैं, दूसरा किस प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, तीसरा लिक्विडिटी का फ्लो कैसा आ रहा है। खासकर लिक्विडिटी के फ्लो की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, तो इसके जो पॉइंटर्स हैं ना वो भी आए हुए हैं, अगर आपके पास हो तो आप जरा वो भी चला दीजिएगा। मैं जरा मुनाफा आपको बता देता हूँ, वो करीब करीब आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर 32% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा। मार्जिन्स में भी अच्छी इंप्रूवमेंट है, 33.5% के मार्जिन्स कम नहीं होते हैं रियल एस्टेट कंपनीज़ के अंदर। और इसके आपको फ्लैट पता ही है, 72 घंटे में 7200 यूनिट, 7200 करोड़ का माल बेचा इसने गुड़गांव में, आपको अच्छे से पता है, और इससे पहले भी कई बार ऐसे चमत्कार हो चुके हैं। तो डीएलएफ एक एरिया के अंदर तो राजा है, और अपने नंबर्स के तौर पर ये दिखा रहा है कि अभी भी इसमें वो स्टीम कम नहीं हुई है। नंबर्स के कुछ पॉइंटर्स हैं जो जेफरीज ने भी नोटिस किए हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। जय, आप जरा चेक करेंगे, मैं अब आता हूँ प्राइस पे, नंबर्स तो हो गए। प्राइस में क्या हुआ कि इसने ना 20 दिन की एवरेज को ब्रेक कर रखा है डेली चार्ट्स पे, ये इसको मेंटेन कर लेगा यानी कि ऊपर आ जाएगा। तो डिम्पी जी, ये स्टॉक ने अभी फिलहाल ही में 34 डीएमए को सपोर्ट लेके ये स्टॉक ने कल बाउंस पे थोड़ा आते हुए दिखाया, और मुझे लग रहा है काफी जो रियल एस्टेट में नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली काफी जो बज है, गुड़गांव में जैसे आपने बताया 7200 करोड़ का जो बिका अराउंड 7200, काफी अच्छा था, और डीएलएफ जैसी कंपनीज काफी अच्छा मोमेंटम देती है जो रियल एस्टेट स्पेस में पर्टिकुलरली। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक डेफिनेटली वापस से आ जाएगा ऊपर के दिन में, थोड़ा बाजार का साथ चाहिएगा इसको, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम है, और ये रियल्टी स्टॉक्स में कोई भी डीप मिले तो डेफिनेटली बाय करनी चाहिए। डीएलएफ अभी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाय करने की अराउंड 747 के वहां पर, मुझे डेफिनेटली लग रहा है 21 डे मूविंग एवरेज को आज ब्रेक कर देगा ऑन अपसाइड, और 760 तक के लेवल आज के दिन में दिखा सकते हैं ऑन इनिशियल फेज, और अगर वो लेवल क्रॉस गया तो वापस से 775 तक के लेवल डीएलएफ में देख सकते हैं। थोड़ा पोजिशनली ये स्टॉक को अगर होल्ड करें हम Q4 को खत्म होने तक, मुझे लग रहा है ये स्टॉक 825 के ऊपर इजिली ट्रेड करता होगा मार्च के एंड तक, सो डीएलएफ वुड बी अ बाय एट एनी पॉइंट, थोड़े लंबे समय के लिए होल्ड करें। रियल एस्टेट में काफी जो चर्निंग होती है, फ्लोज आते हैं, वो थोड़ा स्लोली स्टेडीली आते हैं, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक्स थोड़े पोजिशनली होल्ड करने चाहिए और काफी अच्छा मोमेंटम के लिए स्टॉक को प्ले करना चाहिए। ठीक है, तो ये है नजरिया डीएलएफ पर।